फ्रेंड्स, आज हम बिना गुड़ बिना चाशनी के तिल और मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। तो देखिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मूंगफली। जो मूंगफली आती है उसे मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। देखिए इस प्रकार से रोस्ट कर लेना जब तक उसके अंदर से छिलके जो है रिमूव ना होने लगे, तब तक हमें उसे अच्छे से रोस्ट करना है। अभी हमारी मूंगफली जो है रोस्ट हो चुकी है, तो मैं इसे एक कपड़े के अंदर निकाल रही हूँ ताकि हम इसके अंदर से छिलके जो है रिमूव कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आप अगर चाहो तो अगर मेरी ये मैथड को फॉलो करोगे तो मज़ा आने वाली है आपको। जब भी मूंगफली छिलनी हो तो आप इस प्रकार से छिल सकते हो। देखिए मैंने बातें करते करते यहाँ पे तिल भी रोस्ट करने के लिए रख दिया है। तिल भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। वैसे तिल हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, लेकिन जब तक ये इसके अंदर से मॉइस्चर ना निकल जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक ही हमें इसके अंदर रोस्ट करना है। तो इस प्रकार से हमें तिल रोस्ट कर लिया है। तब तक मूंगफली भी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, तो तिल को मैंने साइड में निकाल लिया है और साइड साइड हम यहाँ पे मूंगफली भी छील लेंगे। इस प्रकार से अगर आप मूंगफली छीलोगे तो आपके घर के अंदर सारे घर के अंदर इसके छिलके नहीं उड़ेंगे। कई लोग क्या है कि इसके छिलके सारे घर के अंदर उड़ते हैं, इसलिए वो लोग मूंगफली को छीलना पसंद नहीं करते और रेडीमेड मूंगफली जो आती है रोस्ट की हुई वो ले आते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से हमें इसके इस कपड़े के संग रगड़ना है ताकि जो इसका मूंगफली का छिलका है उसके अंदर से रिमूव हो जाए अच्छे से। आप इसे नीचे फर्श पे रख के भी रगड़ सकते हो। मुझे वीडियो करना था तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे बता रही हूँ, वैसे आप नीचे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब इसे हमें इस प्रकार के जारे के अंदर ले आना है जिससे हम भजिया वगैरह तलते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ वो भी मुझे बताना, मुझे नहीं पता। तो आप इससे आप अच्छे से निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आप यहाँ पे इस मूंगफली का छिलका जो है रिमूव कर लोगे इजीली, फटाफट से ये रेसिपी के अंदर ये प्रोसेस करोगे तो फटाफट से हो जाएगा। देखिए इसके अंदर से छिलका जो है रिमूव हो गया है। तो वन बाई वन हम दो तीन बैच के अंदर इस प्रकार से हम फटाफट से मूंगफली को छिलके से अलग कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए हमें मूंगफली को ले लेना है पहले। देखिए इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया है कि हम मूंगफली में से छिलके कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप फटाफट से मूंगफली छील सकते हो, तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस के लिए हमें एक ब्लेंडर जार ले लेना है और उसके अंदर हमें मूंगफली को दरदरा पीस लेना है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें एक कप यहाँ पे मूंगफली ले लेनी है। आप इस रेसिपी के अंदर मेज़रमेंट का प्रॉपर ध्यान रखोगे तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली है हमने दरदरा फॉर्म में ले लिया है, इस प्रकार से हमने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे तेल भी ब्लेंड करेंगे, तो तेल भी यहाँ पे मैंने एक कप लिया है। मेज़रमेंट आप प्रॉपर से लो और अच्छे से उसे रोस्ट कर लो। देखिए इस प्रकार से हमने तेल भी ब्लेंड कर लिया है, वो भी मैंने दरदरा ही लिया है। देखिए इस प्रकार से, तो इन चीज़ों को मैंने अलग अलग एक बाउल के अंदर ही मैंने दोनों को निकाल दिया है, बिकॉज़ हमें दोनों को मिक्स ही करना है। तो अभी हमने आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पे मैंने खजूर ले लिया है। खजूर मैंने सीडलेस लिया है। आपके पास अगर सीड वाला हो तो आप सीड निकाल कर यूज़ करें। उसे मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये खजूर जो है मेरे पास 350 ग्राम के करीब होगा। इतना खजूर काफ़ी है मेरे इस रेसिपी के लिए। तो मैंने 350 ग्राम खजूर को अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद हमें इसे रोस्ट करना है घी के अंदर। आप चाहो तो सीडलेस खजूर ला सकते हो, और सीड वाला लाओ तो सीड निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अभी इसे कट कर लिया और अब मैं पैन के अंदर घी लूँगी। तो पैन मैंने पहले जो यूज़ किया था वही वाला पैन यूज़ किया है, दूसरे बर्तन बिगाड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक ही पैन में हो सकता है ये। तो अब इसके अंदर हमें 1 टीस्पून यहाँ पे घी ले लिया है। अगर आपके पास घी मेल्ट किया हुआ हो तो आप थोड़ा सा मात्रा यहाँ पे घी की बढ़ा दें।
तो इस प्रकार से हमने घी को मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम खजूर डाल देंगे और खजूर को इसके अंदर हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि खजूर हमारा मेल्ट थोड़ा हो जाए। जब भी ये खजूर अच्छे से मेल्ट होगा तभी हमें समझ में आ जाएगा कि खजूर जो है हमारा सिक चुका है। देखिए हमें इसे स्पैचुला की मदद से इस प्रकार से दबाते हुए रोस्ट करना है ताकि खजूर जो है अच्छे से सिक जाए और एक जगह पे ये इकट्ठा होने लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि खजूर हमारा जो है सिक चुका है अच्छे से। और जब भी आप खजूर यूज़ करो ना तो सॉफ्ट वाला हो, इस बात का ध्यान रखें, सॉफ्ट खजूर का ही यूज़ करें तो अच्छे से ये हो पाएगा। तो अभी इसे हमें आगे की प्रोसेस के लिए हमें इसे ब्लेंडर जार में ले लेना है और इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। आप पहले भी इसे ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हो और बाद में भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे बाद में कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने इस मिक्सचर के जार के अंदर ब्लेंड कर लिया है। वैसे फ्रेंड्स अगर आप इस प्रोसेस के अंदर आपको इसे ब्लेंड करने में अगर परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला थोड़ा सा दूध ऐड करके यूज़ कर सकते हो। देखिए इसके अंदर मैंने तिल और मूँगफली का जो दरदरा बनाया था हमने वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर दिया है, आधा मिक्स किया है और आधा हमने रखा है। तो अभी आधा भी हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे, दो पार्ट में करके हमने यूज़ किया है। एक पार्ट में अगर आप करोगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। वैसे आप चाहो तो इसे एक बड़े बर्तन के अंदर सारी चीज़ों को एक इकट्ठा मिक्स करके हाथों से भी आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन ये फटाफट से हो जाए ये प्रोसेस, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जार के अंदर यूज़ किया है। आप हाथों से भी कर सकते हो, इजीली हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए इस प्रकार से मैंने दूसरी बार जो डाला था वो भी कर लिया। अब इसे मैं फिर से पैन के अंदर डाल दे रही हूँ ताकि इसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स कर पाऊँ। देखिए दूसरा बर्तन भी मैं नहीं बिगाड़ रही हूँ, उसी के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी इसे मैं हाथों से अच्छे से डो लगाऊँगी, डो के जैसा हमें इसे फॉर्म में लाना है, तो हाथों से ही मसलते हुए हमें इसे डो फॉर्म में ले आना है। अब आप मसलोगे तो ये अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा हाथ हमें हल्के हाथों से अच्छे से मसलना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस अच्छे से हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप दूध यूज़ कर रहे हो तो इस रेसिपी को आप ज़्यादा दिन बाहर ना रखें, आप इसे फ्रीज में रख कर खाए। बाहर रखोगे तो रेसिपी बिगड़ जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आपने दूध यूज़ किया है तो, लेकिन अगर दूध नहीं यूज़ किया है तो आप इसे बाहर रख कर 15-20 दिन तक खा सकते हो, कुछ नहीं होता है इसे। देखिए इस प्रकार से हमने अच्छे से मसल लिया है, अभी हम इसे डो के जैसा ले आएंगे फॉर्म में। देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये अच्छा से हो जाएगा तो ये डो खुद ही बन जाएगा। देखिए मसलते हुए आप लगाओगे डो तो बन जाएगा। और अब इसे हाथों से मैं सिलेंड्रिकल शेप में ले आऊँगी। वैसे आप चाहो तो इसे डायरेक्टली आप किसी चकले पर रख कर बेल कर भी, हाथों से बेल कर भी आप कर सकते हो, मैं हाथ से ही ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन आप नीचे रख कर भी इसे बेल सकते हो। तो इस प्रकार से मैं दो सिलेंड्रिकल शेप में ले आती हूँ, दो पार्ट में मैंने बनाया है, तो ताकि अच्छे से ये हो पाए। देखिए इस प्रकार से हमें मिक्स करते हुए दो पार्ट में मिक्स कर लेना है। वैसे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, लाइक करते हो, तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए इस प्रकार से हमने हाथों से बेलते हुए सिलेंड्रिकल शेप में अच्छे से लिया। इसका शेप प्रॉपर आएगा तो देखने में और खाने में दोनों में ही मज़ा आएगी फ्रेंड्स, शेप प्रॉपर आना चाहिए। देखिए इस प्रकार से दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप अच्छे से बेल कर आप ले आओ और इसे हो सके उतना पतला बनाओ, ज़्यादा मोटा मत करो। देखिए बेल कर, हाथों से बेल कर आप पतले शेप में ले आओ। देखिए और उसके बाद इसे एक डिश के अंदर, एक प्लेट के अंदर हम इसे निकाल लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से निकाल लेना है। वैसे फ्रेंड्स आप ये रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर रेसिपी को पसंद आती है तो और इम्प्लीमेंट करते हो तो मेरे साथ शेयरिंग ज़रूर से करना। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ये रेसिपी और इसके फ़ायदे तो कितने अनगिनत है आप समझ ही सकते हो। विंटर के सीज़न का स्पेशल फूड है फ्रेंड्स खजूर, तो खजूर हमें विंटर में खाना ही चाहिए।
देखिए इसके अंदर मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है, और फिर इस प्रकार से मैंने चारों ओर रोल करते हुए डेसिकेटेड कोकोनट को लगा दिया है। देखिए इस प्रकार से रोल करोगे तो ये जो कोकोनट है चारों ओर लग जाएगा, और इसे दबाते हुए हम रोल करेंगे ताकि इसके अंदर ये चिपक जाए अच्छे से। दोनों ही रोल को मैं इस प्रकार से कर लूँगी, और फिर हमें इसे कट भी लगाना है फ्रेंड्स। तो अभी हम तुरंत कट लगाएंगे ना तो ये अच्छे से शेप में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ले लेना है यहाँ पे बटर पेपर, और बटर पेपर के अंदर मैं इस सिलेंड्रिकल शेप को अंदर लपेट कर रोल करूँगी, और फिर उसे मैं फ्रीज के अंदर रख दूँगी फ्रेंड्स। अभी हम इसे फ्रीज के अंदर रखेंगे 15 मिनट। फ्रीज के अंदर रखो तो आप 1-2 घंटे के लिए रखो, लेकिन अगर फ्रीज़र के अंदर रखते हो तो 15 मिनट के या 20 मिनट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो 15-20 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र के अंदर रख रही हूँ। देखिए इस प्रकार से पहले बटर पेपर के अंदर मैं लपेट लेती हूँ इसे, ताकि इसका शेप जो है अच्छे से बना रहे और कट करते समय फैल ना जाए। देखिए इस प्रकार से हमें घुमाते हुए फिट टाइट रोल करना है हमें, ताकि इसका शेप जो है प्रॉपर बन पाए। देखिए इस प्रकार से अच्छे से हमें शेप में लाना है, तभी हमें देखने में और खाने में मज़ा आने वाली है और कट करने में मज़ा आने वाली है। अच्छे से ये सेट हो जाएगा फ्रीज़र के अंदर तो ये कट करने में भी मज़ा आएगी और अच्छे से कट भी हो पाएगा, वरना ये अच्छे से कट नहीं हो पाएगा और इसका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, शेप फैल जाएगा। अगर शेप अच्छा नहीं आएगा तो आपको देखकर खाने में मज़ा नहीं आएगी फ्रेंड्स। प्रोडक्ट चीज़ें जो देखने में अच्छी लगती है वही खाने में अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो हमें शेप तो प्रॉपर लाना ही है फ्रेंड्स, इसलिए हमें इस प्रकार से करेंगे तो मज़ा आने वाली है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, बटर पेपर नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन उसे आप एयरटाइट डब्बे के अंदर रख कर फ्रीज के अंदर रख दो, उसके बाद कट करो। लेकिन अगर आपके पास पेपर है इस प्रकार से तो आप पेपर का यूज़ करो, बाद मैंने इसे फ्रीजर में और फ्रीज के अंदर इसे रख दो ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए पहले अंदर से निकाल लेंगे उसके बाद से कट करेंगे तो ये अच्छे से कट हो पाएगा, इसका शेप जो है बिगड़ेगा नहीं। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं कट करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का हमें इसे कट करना है और प्रॉपर शेप में ले आना है हाथों से। हमें अगर इसका शेप थोड़ा बिगड़ जाता है तो हमें हाथों से उसे प्रॉपर शेप में कर देना है। देखिए और ये हो जाता है इजीली, फटाफट से हो जाता है और खाने में तो इतना मज़ा आता है फ्रेंड्स, सच में बता रही हूँ। इतनी हेल्दी है ये चीज़ कि आप पूछो ही मत, इतनी टेस्टी भी है, बच्चों को बूढ़ों को और हमें सबको ही खाने में मज़ा आने वाली है। देखिए कितनी यम्मी बनी है।